के राजा के मुंबई में दर्शन न कर पाने वाले लोगों को दिल्ली में ही लाल बाग के राजा के दर्शन करने के पावन उत्सव से 4 साल पहले शुरू की गई ट्रस्ट लाल बाग का राजा ट्रस्ट के तत्वावधान में इस साल भी गणेश महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया जा रहा है। नेताजी सुभाष पैलेस में लगे लाल बाग के राजा के इस पंडाल में प्रवेश के साथ ही आपको अनुभव होगा जैसे कि आप मुंबई में लाल बाग वाले राजा के दर्शन कर रहे हैं। शानदार भक्ति संगीत और धूमधाम के साथ ये महोत्सव लोगों को भारी संख्या में अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिल्म राजनीति और व्यवसाय से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसमें शिरकत की है। इसी कड़ी में 20 सितंबर को डॉक्टर मसूर गुलाटी के नाम से मसूर और आने वाली नई फिल्म पटाखा की कोच सुनील ग्रोवर के साथ सानिया मल्होत्रा राधिका मदान, फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, फिल्म के प्रोड्यूसर अजय कपूर जैसी बड़ी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मंच पर फिल्म की कोच ने भगवान गणेश को नमन किया और अपनी फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए खूब मस्ती की। राधा कृष्ण की शानदार झांकियों के साथ लोग भजनों में झूमते नजर आए। इस आयोजन की खास बात यह होती है कि यहाँ पर गणेश जी की जिस मूर्ति को स्थापित किया जाता है ये वहीं से आती है जहाँ से लाल बाग के राजा मुंबई की मूर्ति मंगाई जाती है ताकि दिल्ली में भगवान गणेश की उसी छटा के दर्शन हो सके जिस छटा के लोग दीवाने हैं। यहाँ रात को 12 बजे रोजाना आरती होती है जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 4 सालों से लगातार इस आयोजन में जिस प्रकार से लोग का प्यार मिल रहा है उससे साफ है कि दिल्ली में लाल बाग का राजा ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम हर साल लोकप्रिय होता जाएगा। सत्यभूषण जैन, वाइस प्रेसिडेंट लाल बाग राजा ट्रस्ट। सर, ये जो लाल बाग राजा ट्रस्ट है ये कब से और कब तक अभी अपना जो सेवा है और ये जो समर्पण दे रही है? हमारा ये 4th साल है जी, और दिल्ली के अंदर इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं होता। 3 बजे हम शुरू करते हैं, रात को 12 बजे आरती होती है, मृदुला शास्त्री जी की कथा चल रही है और लाल बाग के जो गणेश जी की जो वो है मूर्ति वहीं से आती है बॉम्बे से, तो ये बेस्ट है। और आपने भीड़ देखी यहाँ जो इतनी है, और इसका बड़ा हमारे को बहुत फोन आ रहे हैं, लोग आना चाहते हैं, मतलब जो है ना, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और जो हमारी जो टीम है ना जी उसका बहुत बड़ा समर्पण है। सर, जिस तरह प्रतिमा की बात करें तो जिस तरह से जो प्रतिमा की जो लंबाई चौड़ाई है उसके अगर बात करें तो कितना टाइम में उसको पूरी तैयारियां होती है और उसको पूरी कंप्लीट होती है? वो तो जो 2-3 महीने का समय लगता है वो लगता है जी, हम ऑर्डर देते हैं पहले से उसी को देते हैं इसीलिए, और भाई रोड आती है ऐसे तो आ नहीं सकती। सर, कारीगर की बात करें तो कारीगर कहाँ का होता है? कारीगर वही का ही, बॉम्बे का, पुणे का। और सर, यहाँ पे जो सिक्योरिटी और बाकी चीजों को लेके जो व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से उसका ख्याल रखा गया? हमारी पर्सनल अपनी सिक्योरिटी है, पुलिस की हमारे को पूरी हेल्प है। आपने पूरा देखा होगा, इस बार हमने पूरा पंडाल एयर कंडीशन किया है, आपने सारी व्यवस्था देखी होगी, और हर चीज का कार पार्किंग की भी पूरी सुविधा है, किसी बात की दिक्कत नहीं है। और खाने का बाजार भी जो लगाया है लोग उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे जनक बाजार होता है ना रामलीला में, ऐसे हमारा ये बाजार महसूस हो गया। और किस तरह से जो आर्थिक जो पूजा पाठ है वो किस तरह से स्टार्ट की गई है शुभारंभ? आज लाल बाग का राजा ट्रस्ट का स्थापना आज से 4th बरस है, ये 4 साल पहले हमारा शुरुआत हुआ। इसके अंदर हम कुछ ही लोग जुड़ पाए, पहले 10-12 लोग, उसके साथ हमारा शुरुआत हुई और आज हमारे 500 ट्रस्टी टोटल बन गए हैं। और इसके अंदर गणपति जी बम्बे से आते हैं, लाल बाग का राजा ट्रस्ट नाम रखने के पीछे भी मकसद ये था, लोगों को बम्बे में लाल बाग राजा ट्रस्ट में घंटों दिनों लाइन में लगना पड़ता था, उसकी जगह वहीं से कांबली आर्ट बम्बे के अंदर है उन्हीं की मूर्ति ला के यहाँ पर स्थापना करते हैं। जो लाल बाग राजा को गणपति जी देते हैं वही गणपति हमें देते हैं, तो लोगों को बम्बे जाने की ज़्यादा दिक्कत ना हो, लोग यहाँ पर आकर आराम से दर्शन कर सकें, हमने यही सोचकर यहाँ पर गणपति बिठाने चालू किए। हमारी ट्रस्ट के अंदर लोग आपस में बहुत मिलन के, आपस में मिलकर गणपति जी के पूजा पाठ अर्थ भागवत कथा 2 साल से लगातार हो रही है। मृदुला कृष्ण शास्त्री जी बहुत अच्छे से
हमने एसी टेंट लगाया है, सेंट्रलाइज एसी। हमारा जब टेंट है फुली एसी है और पब्लिक के बैठने के लिए कंफर्ट लेवल जो है इतना बढ़िया है कि लोग बड़े आनंद से बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। और इसमें और दूसरी बात ये है कि गणपति जी, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि गणपति जी मन्नतों के देवता हैं, एक ही जगह पर रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणपति जी और लालबाग के राजा लालबाग से आते हैं, यहाँ स्थापित होते हैं, 10 दिन हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पब्लिक उनके दर्शन करती है और एक मतलब हर तरीके की मन्नत लेकर के लोग आते हैं। और मैं समझता हूँ लोगों की हर साल मन्नतें पूरी हो रही हैं, तभी हमारे ट्रस्टी और हमारे जो व्यूअर हैं दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले साल कम, अब इस टाइम मैं समझता हूँ कि हर रोज़ हमारे यहाँ पे 25 से 30 हज़ार आदमी रोज़ आना आ करके गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं और दर्शन करते हैं। ये महोत्सव कब से शुरू हुआ? ये महोत्सव 2015 से शुरू हुआ था। हम 5-7 आदमियों ने बैठ करके सोचा कि ऐसे करके हमारे मन में एक विचार आया कि लोग लालबाग के लिए बॉम्बे जाते हैं, वहाँ दर्शन नहीं हो पाते, भीड़ बहुत होती है, तो एक मन में विचार आया कि नॉर्थ इंडिया वालों को भी दर्शन जो टीवी पे करते हैं वो लाइव कर सकें। तो हमने वहीं पर ही उनके जो कामली आर्ट वाले हैं उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, वो राजी हुए और हम मूर्ति लेकर के यहाँ आए, विराजमान करा। और इसका पहला जो इसका इनॉग्रेशन है वो हमारे माननीय गृहमंत्री राजनाथ जी ने किया 2015 में। उसके बाद वो 2 साल से आ रहे हैं, वो भी गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं। अनिल वधवा, जनरल सेक्रेटरी, लाल बाग का राजा ट्रस्ट, दिल्ली। ये आयोजन कब से और स्टार्ट किया गया और अभी तक इसकी क्या खासियतें रहेंगी और कितने श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करके जा सकते हैं? ये 4 साल पहले स्टार्ट हुआ है जी हमारा। 2015 में हमने फर्स्ट लालबाग राजा को यहाँ पे स्थापित करा और सबसे बड़ी खासियत ये है जो मुंबई के लालबाग का राजा हैं, जो वहाँ पे मुंबई के लालबाग राजा में स्थापित होते हैं, जो इनको बनाते हैं खाटू जी, उन्हीं वही मूर्ति हमारी बनाते हैं। सेम कॉपी मूर्ति है जो हम दिल्ली में लेके आए हैं। इसका लाने का हमारा एक ही मकसद था, दुनिया दिल्ली से लोग काफ़ी लोग बॉम्बे जाते थे लाइनों में लग लग के अपना दर्शन के लिए, लंबी लंबी लाइनें 2-2 दिन लग जाते थे दर्शन के लिए। तो हमने सबने हमारे कार्यकारिणी ने सोचा कि जो मुंबई गणपति हैं उनको दिल्ली लाओ और दिल्ली की जनता का भला करो और उनको गणपति के दर्शन कराओ। तो कहीं ना कहीं मुंबई जाने से लोगों को एक परहेज भी अगर कोई करता है तो उनको साफ तौर पर यहाँ पर दर्शन हो सकता है? पूरा बहुत ही ईजी दर्शन है और बहुत खुले दर्शन है। हमने व्यवस्था ऐसी कर रखी है किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही सिस्टमेटिक से काम चल रहा है। मैक्सिमम हमने सिक्योरिटी गार्ड, कैमरा, सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और हमारी सबसे बड़ी खासियत है हमारा सेंट्रली एयर कंडीशन प्लांट है, इसमें लगा हुआ टेंट हमारा, तो जिसके अंदर श्रद्धालु इसके अंदर आराम से बैठ के